हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज की हमारी पोम है 1919 बाय डब्ल्यू बी येट्स। इस पोम में डब्ल्यू बी येट्स ने वॉर के बाद में आयरिश जो आयरलैंड में जो वॉर हो रहा था उसके बाद में जो कुछ भी इफ़ेक्ट्स उसके रहे या वॉर या युद्ध होने के जो भी इफ़ेक्ट्स जो भी प्रभाव एक देश को झेलना पड़ता है एक कंट्री को झेलना पड़ता है वो सब दिखाने की कोशिश की है। और कई जगहों पे वो गुस्सा भी है कि क्यों ये सब किया जा रहा है ना। तो वॉर है, वायलेंस दिखाया है, पॉलिटिक्स दिखाई है इसमें, टेम्पररीनेस ऑफ द वर्ल्ड दिखाया है, मींस कि जो चीज़ें बहुत लंबे समय से प्रोटेक्टेड थी वो सारी ख़त्म हो चुकी है बिकॉज ऑफ द वॉर। चलिए देखते हैं क्या कुछ है इसमें। मैनी इंजेनस लवली थिंग्स आर गोन दैट सीम्ड शेयर मिरेकल टू द मल्टीट्यूड Protected from the circle of the moon that pitches common things about. There stood amid the ornamental bronze and stone, an ancient image made of olive wood, and gone are Phidias, famous ivories, and all the golden grasshoppers and bees. Many ingenious, ingenious means होती हैं बहुत अच्छे से तराश के बनाई हुई बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो होती हैं ना, बहुत clean, सुंदरता से बनाई हुई जो चीज़ें हैं, ingenious, lovely things, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें। वही जो जहाँ युद्ध होता है तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी हो भले ही वो गिरा दी जाती है। जैसे अपने यहाँ पे भी भोर या मुगलों के समय में इन्होंने क्या किया था, बहुत सुंदर सुंदर मंदिरों को तोड़ फोड़ कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। तो वैसे ही बहुत सी आयरलैंड में भी जो वॉर हुआ था उसकी वजह से बहुत सी सुंदर सुंदर चीज़ें वहाँ ख़त्म हो चुकी थी, बर्बाद कर दी गई थी, तोड़ दी गई थी। तो मैंने इंजीनियस लवली थिंग्स की बहुत सुंदर सुंदर वेल मेड जो चीज़ें थी दे आर गोन, वो जा चुकी हैं। दैट सीम्ड शेयर मिरेकल टू द मल्टीट्यूड, और वो क्या लगती थी, सीम्ड मीन्स प्रतीत होती थी, शेयर मिरेकल मतलब एकदम किसी चमत्कार से कम नहीं लगती थी वो चीज़ें। टू द मल्टीट्यूड, टू द मल्टीट्यूड मीन्स टू द पीपल है ना, मल्टीट्यूड मीन्स खूब सारे है ना, तो खूब सारे लोगों के लिए मीन्स जनता के लिए, लोगों के लिए वो क्या था, किसी चमत्कार से कम नहीं थी वो सुंदर सुंदर चीज़ें। प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सर्कल ऑफ द मून दैट पिचेस कॉमन थिंग्स अबाउट, और वो सारी चीज़ें जो थी ना दे वर प्रोटेक्टेड, उनको रक्षित किया जा रहा था, बचाया जा रहा था फ्रॉम द सर्कल ऑफ द मून मीन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से। और वो समय जो पिचेस कॉमन थिंग्स, जो कि सारी कॉमन चीज़ों को फेंक देता, पिच मीन्स होता फेंकना, मतलब लंबे समय समय जो है ना वो इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर देता है। तो वो बहुत लंबे समय से वो चीज़ें हैं उनको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया गया था, बहुत अच्छे से उनको बचाया गया था, लेकिन दे आर गोन। देर इज टू डमिट द ऑर्नामेंटल ब्रॉन्ज एंड स्टोन एन एंशंट इमेज मेड ऑफ ऑलिव वुड, फिर वो एक एंशंट इमेज की बात कर रहे हैं। एक एंशंट मीन्स पुरानी एक इमेज, और वो इमेज किसकी थी, मेड ऑफ ऑलिव वुड, ऑलिव ट्री जो है उसकी वुड से, उसकी लकड़ी से बनी हुई है, जो कि किस कहाँ खड़ी है, अमिट, अमिट मीन्स अमंग, बीच में खड़ी है, ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटल ब्रॉन्ज एंड स्टोन मतलब कुछ स्टेचूज थे जो ऑर्नामेंटल ब्रॉन्ज से बने हुए थे, ठीक है, ब्रॉन्ज और स्टोन के बने हुए कुछ स्टेचूज थे, उनके बीच में एक एंशंट इमेज खड़ी है, ओल्ड इमेज मेड ऑफ ऑलिव वुड, जो कि ऑलिव जो वुड होती है, लकड़ी होती है, उससे बनी थी, वो भी जा चुकी है। एंड गोन आर फिडियास फेमस आइवरीज, और फिडियास जो था मास्टर ऑफ ग्रीक आर्ट एंड कल्चर, इसको मास्टर माना जाता है ग्रीक आर्ट और कल्चर का। और गोन मतलब वो भी जा चुकी है, उनकी जो फेमस आइवरीज है ना, फिडियास की जो फेमस आइवरीज जो मानी जाती है वो भी जा चुकी हैं। ऑल द गोल्डन ग्रास होपर्स एंड बीज, और जितने भी ग्रास होपर्स हैं और जो बीज हैं, दे आर ऑल गोन, मतलब हर चीज़ इस वॉर से प्रभावित हुई है, दे ऑल आर गोन, जो बहुत लंबे समय से चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रखा जा रहा था। तो येट्स इस जो स्टेंजा है ना इसमें लेमेंट कर रहा है, किस लिए, फॉर द डिसअपीयरेंस ऑफ मैनी इंजीनियस लवली थिंग्स, कि कैसे वो डिसअपीयर हो गई हमारी आंखों के सामने से, सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, गायब हो गई है वो सुंदर सुंदर चीज़ें जो हमारे देश के लिए के सुंदरता को बढ़ा रही थी, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। नेक्स्ट स्टेंजा है सेकंड स्टेंजा, इसमें पोएट क्या करते हैं, वो जो लोगों का जो भ्रम है, इल्यूजन्स है, उनको तोड़ने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम भ्रम में जिंदा रहते हैं और असल में होता कुछ और ही है। वो कंपैरिजन करते हैं प्रेजेंट को पास्ट से, और वो ही ऑल्सो मोक्स द फॉली ऑफ थॉट्स, कि हम कितना, हमारे विचार हैं उनमें कितनी कमियां हैं, कितनी गलतियां हम अपने विचारों में कर देते हैं, तो उस पर भी वो हंस रहे हैं। कैसे, वी टू हैड मैनी प्रेटी टॉयज व्हेन यंग, कि हम मीन्स पोएट खुद को भी इंक्लूड कर रहा है और हम सबको कर रहा है, वी टू हैड मैनी प्रेटी टॉयज, कि हमारे पास बचपन में व्हेन यंग मतलब हम जब छोटे थे हमारे पास खूब सारे प्रेटी टॉयज थे, है ना, अ लो इनडिफरेंट मतलब जो उसकी ऑनरशिप है इन टॉयज़ की कैन नॉट बी चेंज्ड,
इनडिफरेंट, मतलब चेंज नहीं की जा सकती उनकी जो ऑनरशिप है। जैसे मेरे टॉयज है, मैं बचपन में खेलती थी, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई दूसरा बच्चा आके या कोई दूसरा व्यक्ति आके कह देगा ये मेरी है, मतलब मेरे खिलौने हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। मतलब उनका जो जो ऑनरशिप है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। टू ब्लेम, चाहे वो ब्लेम से हो, चाहे प्रेज हो, चाहे ब्राइब रिश्वत से हो, चाहे थ्रेट से हो, मतलब इन सब चीज़ों का यूज़ करते हुए उन टॉयज़ पे आपका जो अधिकार है ना उसको चेंज नहीं किया जा सकता। हैबिट्स दैट मेड ओल्ड रॉन्ग मेल्ट डाउन, और जो हैबिट्स, जो पुरानी आदतें हैं ना, दैट मेड ओल्ड, जो पुरानी हो चुकी है रॉन्ग और वो गलत थी, जो गलत पुरानी आदतें हैं मेल्ट डाउन, वो पिघल जाती हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि हालांकि उन टॉयज़ की ओनरशिप तो बिल्कुल भी चेंज नहीं की जा सकती, लेकिन जो ओल्ड हैबिट्स हैं दैट मेड ओल्ड रॉन्ग, जो कि ओल्ड हो चुकी हैं, जो कि गलत थी, मेल्ट डाउन, वो पिघल ही जाती हैं। एज इट वर वैक्स इन द सन रेज, जैसे कि वैक्स पिघल जाती है सन रेज में, मीन्स सूर्य के प्रकाश में जैसे वैक्स होती है, जो मोम होता है वो पिघल जाता है, वैसे ही जो खराब, जो पुरानी पड़ चुकी जो हमारी आदतें हैं ना, वो भी मेल्ट हो जाती है। पब्लिक ओपिनियन राइपनिंग फॉर सो लॉन्ग, और जो पब्लिक ओपिनियन है दैट इज़ राइपनिंग फॉर सो लॉन्ग, मतलब बहुत लंबे समय से जो पब्लिक ओपिनियन है वो वैसा ही चलता आ रहा है। वी थॉट इट वुड आउट लिव आवर फ्यूचर, और क्या सोचते हैं वो कि जो पब्लिक ओपिनियन है ना उनका, जो लंबे समय से चलता आ रहा है, उनके जो विचार हैं जो लंबे समय तक वैसे के वैसे हैं, चलते आ रहे हैं, और हम क्या सोचते हैं, इट वुड आउट लिव ऑल फ्यूचर डेज, की मीन्स जो हमारे आज के जो थॉट्स हैं ना, जो लंबे समय से चलते आ रहे हैं, वो आगे फ्यूचर डेज में भी चलते ही रहेंगे, मतलब वैसे ही रहेंगे। बट ऐसा नहीं है, वॉर और इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट इस तरीके का होता है कि वो सब कुछ वैनिश कर देता है, ख़त्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। ओ वॉट फाइन थॉट वी हैड, बिकॉज वी थॉट दैट द वर्स्ट रॉक्स एंड रास्कल्स हैड डाइड आउट। फिर वो कहते हैं कि कितना अच्छा थॉट था हमारा, ये विचार था, वी हैड, बिकॉज वी थॉट, क्योंकि हम ये सोचते थे, दैट द वर्स्ट रॉक्स मीन्स जो घटिया घटिया जो गंदे लोग हैं, रास्कल्स जो हैं, ठग्स जो हैं, दे हैड डाइड आउट, कि वो मर चुके हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं। पर ऐसा नहीं है, इन रियलिटी ऐसा नहीं है। ये हमारी विचार जो है ना, हमने जो काफ़ी लंबे समय से ले रखें कि ये सब कुछ ख़त्म हो गया है, जो गंदगी है पुराने समय की वो ख़त्म हो चुकी है, जो रास्कल्स है, रॉक्स है, जो घटिया जो लोग हैं, वो मारे जा चुके हैं, और हम काफ़ी लंबे समय तक इन विचारों में ही डूबे रहे हैं कि नहीं ऐसा सही है, यही सही है, यही सही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और अभी जो कुछ घटित हो रहा है ना, ये जो वॉर और ये जो डिस्ट्रक्शन, ये सब कुछ घटित हो रहा है ना, वो इन रॉक्स से, इन रास्कल से कहीं ज़्यादा घटिया स्तर का है। नेक्स्ट जो स्टेंजा है थर्ड, इसमें पोएट कहते हैं कि उन लोगों पे वो हंसते हैं जो ये सोचते हैं वॉर इज़ द थिंग ऑफ पास्ट, कि वॉर जो है, क्योंकि वॉर ख़त्म हो चुका है, तो उनको लगता है, लोगों को लगता है कि वॉर तो अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन इन रियलिटी वॉर इज़ नॉट अ थिंग ऑफ पास्ट, ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ बैड इफ़ेक्ट्स तो इसके आज भी रहे हैं। मतलब किसी भी देश में, किसी भी कंट्री पे अगर वॉर की वजह से बहुत सा नुकसान होता है, तो ऐसा थोड़े वॉर ख़त्म होती, चीज़ें सारी ख़त्म हो जाती हैं, कुछ ना कुछ बैड इम्पैक्ट तो उसका रहता ही है। जैसे हमारी किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए और हमें किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचाया जाए, और बाद में हम फिर से हमारी उस व्यक्ति के साथ फ्रेंडशिप हो जाए, तो ऐसा थोड़े है कि हम पास्ट की जो चीज़ें, जो चोट उन्होंने हमें पहुंचाई है या हमने उनको पहुंचाई है, वो भूल जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। कुछ ना कुछ बैड इम्पैक्ट तो उसका रहता है, तो वॉर इज़ नॉट अ थिंग ऑफ पास्ट। वो ये कहते हैं कि अब आयरलैंड में एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी स्टेज आ गई थी, मतलब वॉर ख़त्म हो गया, लेकिन एक ऐसी स्टेज आ गई थी जहाँ पे जो भी चीज़ें हैं जो बाइट कर सकती थी या हार्म कर सकती थी वहाँ के लोगों को, उस देश को, जैसे आर्मामेंट्स है ना, जैसे आर्मामेंट्स आपको पता है, हथियार, तो देवर टेकन अवे, वो ले लिए गए थे, मतलब उनको हटा लिया गए थे, देवर विड्रॉन, उनको हटा लिया गया था, ऑल टीथ वर ड्रॉन, उन्हीं को बोला गया टीथ, मतलब वो टीथ जो आपको बाइट कर सके, खा सके, नुकसान पहुँचा सके, उनको हटा लिया गया था, ऐसा लोगों का मानना था, ऐसा दिख रहा था वहाँ पे। ऑल एंशियंट ट्रिक्स अनलर्न्ड, और जितने भी एंशियंट ट्रिक्स थी वॉर, दे आर अनलर्न्ड, मतलब वो दे आर फॉरगॉटन, उनको भुलाया जा चुका है। एंड अ ग्रेट आर्मी बट अ शोई थिंग, और जो आर्मी जो वहाँ थी ना, जितनी बड़ी आर्मी वहाँ लगाई गई थी युद्ध के दौरान, बट अ शोई थिंग, ये केवल दिखावे की थी। वॉट मैटर दैट नो कैनन हैड बीन टर्न्ड इनटू अ प्लोशेयर, तो वो कहते हैं कि क्या ये मैटर करता है क्या कि कोई भी कैनन होती एक तरीके से तोप, यहाँ पे गन भी कह सकते हैं, कि गन है वो किसमें तब्दील नहीं हुई थी, प्लोशेयर। प्लोशेयर क्या होता है, जो हल जोतते समय जो मिट्टी है उसको, ऊपर की जो मिट्टी है उसकी लेयर को ऐसे उथल पुथल करने के लिए एक शार्प स्टील का वेज होता है, स्टील का कुछ एक ऑब्जेक्ट होता है जिससे वो मिट्टी है ऊपर की, इसको उपजाऊ बनाने के उद्देश्य से उसको खोदा जाता है, तो वो एक शार्प, वो एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो
क्या ये मैटर करता है कि कोई भी तोप है या कोई भी जो कैनन है उसको एक प्लोशेयर में तब्दील नहीं हुई है। पार्लियामेंट एंड किंग थॉट दैट अनलेस अ लिटिल पाउडर बर्न्ड, कि पार्लियामेंट, वहाँ की पार्लियामेंट और जो राजा है उन्होंने भी ऐसा सोच लिया है कि जब तक गन पाउडर का यूज़ नहीं होगा, बर्न, उसको नहीं जलाया जाएगा, द ट्रम्पेटर्स माइट बर्स्ट इनटू ट्रम्पेटिंग एंड येट इट लेक ऑल ग्लोरी। अगर जब तक ये नहीं बजाया जाएगा तब तक मज़ा नहीं आएगा। मीन्स द ट्रम्पेटर्स, ट्रम्पेटर्स कौन होते हैं? जो युद्ध का आगाज़ करते हैं, ट्रम्पेटर्स जो तुरई बजाते हैं, इट्स सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो युद्ध के दौरान बजाया जाता है। द ट्रम्पेटर्स माइट बर्स्ट विद ट्रम्पेटिंग, मीन्स वो बजा सकते हैं उसको, बट येट इट लेक ऑल ग्लोरी, लेकिन जब तक गन पाउडर नहीं बजाया जाएगा उसके साथ तब तक ये जो ट्रम्पेटर है ना इसकी कोई ग्लोरी नहीं है, अपने आप में उतनी ग्लोरी ग्लोरियस ये फील नहीं कराता है, और गन पाउडर साथ में जलाया जाना चाहिए। एंड परचेंस द गार्डमैन गार्ड्समैन्स ड्राउजी चार्जर्स वुड नॉट प्रिंस। अब यहाँ पे वो जो पोएट है वो ये सोचते हैं कि जिस तरीके से ये सारी चीज़ें घटित हो रही है ना, रिप्लेस की जा रही है, वॉर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको हटाया जा रहा है, तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है, बाई चांस एक दिन ऐसा दिन भी आ जाएगा, उनका उनका ये मानना है कि ऐसा दिन भी आ जाएगा, देर इज़ अ चांस फॉर द गार्ड्समैन हॉर्सेस टू स्टॉप डांसिंग, कि वो क्या करते, ड्राउजी मीन्स नींद में, चार्जर्स मीन्स हॉर्सेस, प्रिंस होता है उछल कूद करना या डांस भी कर सकते हैं अपन, तो देर इज़ अ चांस, हो सकता है एक दिन ऐसा भी आ जाए कि जो गार्ड्समैन के जो हॉर्सेज हैं ना नींद में, आधी नींद में जो जो हॉर्सेज हैं वो क्या करेंगे, दे वुड स्टॉप डांसिंग, वो उछल कूद करना बंद कर देंगे। मतलब जिस तरीके की चीज़ें वॉर से रिलेटेड चीज़ों को हटाई जाने पे जो जोर दिया जा रहा है, तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये जो घोड़े हैं ना, ये जो गार्ड्समैन के घोड़े हैं ये उछल कूद करना भी छोड़ देंगे, मीन्स मूव करना भी वो छोड़ देंगे। नेक्स्ट स्टेंजा है, इस स्टेंजा में पोएट ने करंट सिचुएशन बताई है आयरलैंड की, और वहाँ पे जो वॉर युद्ध की वजह से जो डर फैला हुआ है उसको दिखाया है। कैसे? नाउ डेज आर ड्रैगन रिडन, द नाइट मेयर राइज अपॉन स्लीप, अ ड्रंकन सोल्जरी कैन लीव द मदर मर्डर्ड एट हर डोर टू क्रॉल इन हर ओन ब्लड एंड गो स्कॉट फ्री। नाउ डेज आर, मतलब अब इस समय डेज आर ड्रैगन रिडन, ड्रैगन यहाँ पे बोला वॉर को, ठीक है, तो चारों तरफ वॉर है, देर इज़ नो पीस, बिल्कुल भी पीस नहीं है, शांति नहीं है। द नाइट मेयर राइज अपॉन स्लीप, और जो स्लीप है ना, मतलब जो नींद है, ये क्या हो गई है, ट्रबल्ड हो गई है, ठीक है, इसको ट्रबल कर दिया गया है नाइटमेयर की वजह से, मींस स्लीप इज रुइंड, नींद तो आई नहीं रही लोगों को। अ ड्रंकन सोल्जरी, और जो ड्रंकन जो सोल्जर्स हैं दे आर कैपेबल, वो सक्षम है किसमें, टू मर्डर अ मदर एट हर डोर स्टेप, उसके घर के दरवाजे पे ही उसको मारने में सक्षम है, और उसको छोड़ दिया जाता है टू क्रोल इन हर ओन ब्लड, और वो अपने ही ब्लड में क्रोल कर रही है, रेंग रही है, एंड गो स्कॉट फ्री, और ये जो ड्रंकन सोल्जरी है ना दे गो स्कॉट फ्री, मतलब फ्रीली वो घूम रहे हैं, उनको किसी तरीके का कोई डर नहीं है, इतना करने के बावजूद उनको किसी तरीके का कोई डर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि कोई भी एक्शन इन सोल्जर्स के अगेंस्ट नहीं लिया जा रहा है। द नाइट कैन स्वेट विद टेरर इज बिफोर वी पीस आवर थॉट्स इन टू फिलोसफी, और जो नाइट है वो क्या हो रही है, नाइट जो है वो हमें स्वेट ऑफ टेरर दे रही है, मतलब डर में हमें पसीना आ रहा है नाइट के दौरान, जो लोगों में इतना डर है कि उनको पसीना आ रहा है, बिफोर वी पीस आवर थॉट्स इन टू फिलोसफी, और क्यों, और इतना कुछ होते हुए भी सबसे घटिया जो बात है वो क्या है, सबसे घटिया सिचुएशन इस दौरान ये है कि हम क्या कर रहे हैं, वी कीप थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ फिलोसफी, हम क्या कर रहे हैं कि हम फिलोसफी के चक्कर में, आइडियलिज्म के चक्कर में पड़े हुए हैं, हमने हमारे विचार जो है ना वो किस में, फिलोसफी में और आइडियलिज्म में डुबा लिए, एंड प्लान्ड टू ब्रिंग द वर्ल्ड अंडर अ रूल, और हमने क्या कर रखा है, हम ये सोचते हैं कि हम जो वर्ल्ड है, जो पूरा जो संसार है, इसको एक अंडर वन रूल ले आएँ, मतलब केवल पूरा वर्ल्ड है वो एक जैसा हो जाए और केवल इस पर एक ही रूल हो। हु आर बट वीजल्स फाइटिंग इन अ होल, और ये कौन सोच रहा है, वी पीपल, जो कि क्या है, वीजल्स, वीजल्स एक एनिमल होता है, तो वो जो वीजल्स है ना उनकी तरह हम होल में जो बिल होता है उनका, उसमें एक तरीके से वो फाइट करते रहते हैं, तो हम जो लोग हैं ना वो फिलोसफी की, आइडियलिज्म की बात कर रहे हैं और इस बात पे जोर दे रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड एक हो जाए और इस पे एक ही रूल हो, और ये कौन सोच रहा है, वी पीपल, जो कि जिनका कंपेरिजन पोएट ने वीजल से किया है, जो कि हमेशा लड़ते रहते हैं। इस स्टेंजा में फिफ्थ स्टेंजा, ही हु कैन रीड द साइंस नोर सिंक अनमेंड इन टू द हाफ डिसीट ऑफ सम इंटॉक्सिकेंट फ्रॉम शैलोविट्स, ही हु कैन रीड द साइंस, मतलब जो व्यक्ति, यहाँ पे WB Yeats है, ही वॉन्ट्स सम कम्फर्ट,
ही वॉन्ट्स सम कम्फर्ट, उसको किसी तरह का कुछ कम्फर्ट, क्योंकि उसको पता है कि वॉर तो चारों तरफ है, इसके जो जो इम्पैक्ट्स हैं, बैड इम्पैक्ट्स हैं, वो भी चारों तरफ हो रहे हैं, चारों तरफ आयरलैंड में टेरर है ना का माहौल है, नाइट्स है उनमें भी लोगों को डर है, एकदम सता रहा है। तो डब्ल्यू बी एच चाहते हैं कि इज़ देयर एनी कम्फर्ट, कि कहीं कुछ कम्फर्ट है क्या। तो वो कहते हैं ही हु कैन रीड द साइंस, ही हु कैन रीड द साइंस मीन्स वो पास्ट में जाके डब्ल्यू बी एट्स आयरलैंड की हिस्ट्री को देखते हैं, या 100-200 सालों पहले तक वर्ल्ड में क्या कुछ उनके आसपास आयरलैंड के आसपास घटित हुआ है वॉर्स के बाद, जहाँ जहाँ युद्ध हुए हैं, तो उनके बाद जहाँ जहाँ युद्ध हुए उनके बाद वो जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे उनके कैसे इम्पैक्ट्स पड़े हैं, मतलब बहुत सी चीज़ें बर्बाद कर दी गई, ख़त्म कर दी गई, बहुत अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स उनको तोड़ दिए गए, बर्बाद कर दिए गए युद्ध के नाम पे, है ना। तो ही हु कैन रीड द साइंस मतलब वो रीड करते हैं पीछे के जो पीछे जो कुछ भी चीज़ें हुई, जो जो संकेत लोगों को मिले युद्धों की वजह से। तो कहते हैं कि ही हु कैन रीड द साइंस, कि वो व्यक्ति जो इन साइंस को पढ़ सकता है, इन संकेतों को पढ़ सकता है, कौन से संकेत, जो वॉर ने दिए हैं, मतलब पिछले इतने सालों में 100-200-400 हज़ारों सालों में जितने भी युद्ध हुए, आप महाभारत ले लो, जितने भी युद्ध हुए उनके रिजल्ट क्या निकले, तो जो इनको उन संकेतों को पढ़ सकता है, नोर सिंक अनमेंड, और वो व्यक्ति जो कभी डूबता नहीं है, अनमेंड मीन्स सेल्फ, है ना, इन टू द हाफ डिसीट, हाफ डिसीट मीन्स आधा छल कपट से भरी हुई हमारी जो शैलो विट है, शैलो विट मतलब शैलो होता है थुथली, है ना, उथली हुई सी, थुथली सी, दलदली सी जो बुद्धि है उसके नशे में, क्योंकि वो जो उथली बुद्धि है वो नशीली है, नशीले पदार्थ से वो ग्रसित है और आधा छल से भरी हुई है। तो जो इसमें नहीं डूबता है, इसका मतलब है कहने का कि जो अपनी बुद्धि से काम लेवे ऐसा व्यक्ति, और जो पीछे जो कुछ घटित हुआ है उसको पढ़ सके, उसको समझ सके, ऐसा व्यक्ति, हु नोज नो वर्क कैन स्टैंड, केवल वही व्यक्ति जानता है, वो जानता है नो वर्क, नो वर्क मीन्स कोई भी वर्क जो इस दुनिया में बनाया गया है, चाहे वो कितना ही सात अजूबों में ही क्यों ना शामिल हो, कैन स्टैंड, वो कभी भी स्टैंड नहीं कर सकते, मतलब ऐसा नहीं है कि वो हमेशा रहेंगे, आने वाले हज़ारों सालों बाद शायद ये सात अजूबे भी ना रहे। तो हर चीज़ यहाँ पे मरणशील है ना, मॉर्टल है। तो वो व्यक्ति जो इन थुथली जो बुद्धि के नशे में ना पड़ते हों, या जो पीछे की चीज़ों को समझ सकते हों, वो ही ये जानता होगा कि कोई भी वर्क है वो स्टैंड नहीं करेगा, मतलब बहुत लंबे समय तक ये नहीं चलेगा। अब चाहे वो वेदर हेल्थ वेल्थ और पीस ऑफ माइंड वर्क स्पेंट ऑन मास्टर वर्क ऑफ इंटेलेक्ट और हैंड, भले ही वो जो मास्टरपीस, मास्टर वर्क मीन्स मास्टरपीस, वो जो मास्टरपीस बनाया गया है, चाहे कुछ भी ले लो, आप ताजमहल ले लो या एक्स वाई जेड, यहाँ पे कुछ भी ले लो, बेबीलोन के झूलते बगीचे, एफिल टावर, कुछ भी ले लो आप, मास्टर वर्क जो हैं, चाहे वो इंटेलेक्ट हो मींस, चाहे वो बुद्धि से रिलेटेड हो, चाहे वो हैंडमेड हो, है ना, हाथ से बनाए गए हों, चाहे भले ही कितना भी उन पे हेल्थ या वेल्थ या पीस ऑफ माइंड यूज़ किया गया हो, खर्च किया गया हो, ठीक है, तो कितना भी उन पे हेल्थ वेल्थ और पीस ऑफ माइंड आपने यूज़ करके बहुत अच्छे तरीके से उन मॉन्यूमेंट्स को बनाया हो, कितनी ही बुद्धि का यूज़ किया हो, कितने ही अपने हाथों का उसमें वर्क करके उसका इस्तेमाल किया हो, सब उस व्यक्ति को पता होता है जो ये पीछे की चीज़ों को देखते हुए समझ सकता है, संकेतों को पढ़ सकता है, कि कोई भी जो वर्क है ना कभी भी स्टैंड नहीं करेगा, मतलब बहुत लंबे समय तक हमेशा स्टैंड नहीं करेगा, एवरीथिंग इज़ मॉर्टल हियर ऑन दिस अर्थ, नो ऑनर लीव इट्स माइटी मॉन्यूमेंट, सबको पता है कि कोई भी जो ऑनर है लीव, वो कभी नहीं छोड़ता अपने मॉन्यूमेंट्स को, मतलब मॉन्यूमेंट्स को जो सम्मान मिलता है ना, वो सम्मान उस मॉन्यूमेंट को कभी नहीं छोड़ता, हैज़ बट वन कम्फर्ट लेफ्ट, और यहीं पर एक कम्फर्ट बचता है, और वो कम्फर्ट क्या है, ऑल ट्राइम्फ वुड बट ब्रेक अपॉन हिज घोस्टली सॉलिट्यूड, कि जितनी जो भी जीत मिलेगी, यहाँ पे देखिए डब्ल्यू बी एच कहते हैं कि पीछे की जो भी इतिहास देखा जाए ना, आज तक का हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बींग, तो हमेशा कितनी भी उथल पुथल आ गई हो धरती पे, लेकिन जो ह्यूमन बींग्स है ना, जो इंसान है, वो हमेशा अपना सर्वाइवल कहीं ना कहीं ढूंढ लेता है, ठीक है। अब पीछे जितने भी इतिहास में जितनी भी घटनाएं घटित हुई है, जितने भी युद्ध वगैरह हुए हैं, आप सबको खोल के देख लीजिए, आपको सबको पता है कि बहुत मरे लेकिन फिर भी इंसान फिर से खड़ा हुआ है, हर बार फिर से खड़ा हुआ है। तो कहता है कि केवल एक कंफर्ट लेफ्ट है, ओल्ड ट्रायम्फ वुड बट ब्रेक अपॉन हिज घोस्टली सॉलिट्यूड, कि वो जो अकेलापन है ना, घोस्टली अकेलापन जो है इंसान का, वो ट्रायम्फ क्या करेगी, वो उस अकेलेपन को तोड़ देगी। बट इज़ देयर एनी कम्फर्ट टू बी फाउंड, फिर वो क्वेश्चन करते हैं, क्या स्टिल कोई भी ऐसा कंफर्ट है क्या, अभी भी कोई कंफर्ट मिल सकता है क्या, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि वो जो विजय मिलेगी ना इंसान को, जीत जो भी, क्योंकि अंत में इंसान को जीतना तो है इन चीज़ों से, तो जो वो ट्रायम्फ मिलने वाली है ना, वो क्या कर देगी,
वो क्या कर देगी, दैट विल ड्रॉ देम अवे फ्रॉम गोस्टली सॉलिट्यूड. मीन्स जो ये गोस्टली सॉलिट्यूड है ना, उससे वो इंसान अपने आप को दूर कर लेगा. कहने का मतलब ये है कि कभी ना कभी तो ऐसा आएगा ही कि आयरलैंड की स्थिति भी सुधरेगी, तब इंसान फिर यहाँ पे सर्वाइव करना शुरू कर देंगे. आज तो वो एकदम से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, नाइट में दिन में हर तरीके से उनको डर लग रहा है ना. पीछे अपन ने पोम पढ़ी है पूरी, तो कितने चीज़ें घटित हुई हैं. तो वो कह रहे हैं कि इन सब से भी इंसान उभर जाएगा. फिर आगे वो एक क्वेश्चन रखते हैं, बट इज़ देयर एनी कम्फर्ट टू बी फाउंड, कि फिर भी कोई कम्फर्ट है क्या, कहीं कोई कम्फर्ट मिल सकता है क्या. इस स्टेंजा में पोएट पूछ रहे हैं कि क्या सच में कोई कंफर्ट है, क्या इंसान को सच में लगता है कि किसी तरह का कोई कंफर्ट है. मेन इज़ इन लव एंड लव्स व्हाट वैनिशेस. पर इंसान क्या करता है, इंसान वो कंफर्ट लव में ढूंढता है, प्यार में ढूंढता है एंड लव्स, और वो उसी चीज़ से प्यार करता है व्हाट वैनिशेस, जो वैनिश हो जाती है, धुंधली हो जाती है, ख़त्म हो जाती है. व्हाट मोर इज़ देयर टू से, और क्या कहा जाए, और कुछ है भी क्या कुछ कहने के लिए. दैट कंट्री राउंड नन डेयर्ड एडमिट इफ सच ए थॉट वर हिज, कि अगर ऐसी सोच उसकी है, अगर इस तरीके की सोच उसकी है, दैट कंट्री राउंड नन डेयर्ड एडमिट, और पूरे देश में, पूरी कंट्री में चारों तरफ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये एडमिट करे. क्या एडमिट करे, कि देयर आर इंसिडियरी और बिगट्स कुड बी फाउंड टू बर्न दैट स्टम्प ऑन द एक्रोपोलिस और ब्रेक इन बिट्स द फेमस आइवरीज और ट्रैफिक इन द ग्रास होपर्स. और चारों तरफ जो देश है ना, ऑल राउंड द कंट्री क्या है, देर आर इंसिडियरीज, इंसिडियरी पीपल. इंसिडियरी पीपल कौन होते हैं, जो बहुत ज़्यादा विद्रोह करे, जो भड़काए, दंगे फसाद करवाने वाले हों, जो वो क्या करते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से जला देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ऐसे घटिया लोग हैं. और बिगट्स कुड बी फाउंड, और जो कट्टर जो लोग हैं, मतलब चारों तरफ इस देश में चारों तरफ ऐसे लोग मिल जाएंगे. टू बर्न दैट स्टम्प ऑन द एक्रोपोलिस, फिर वो एक्रोपोलिस की स्टैचूज हैं उनका उदाहरण देते हुए कहते हैं टू बर्न दैट स्टम्प ऑन द एक्रोपोलिस, कि वो स्टैचूज ऐसे लोग हैं जो पब्लिक प्रॉपर्टी को ख़त्म कर देते हैं, बर्न कर देते हैं, जला देते हैं, तोड़ देते हैं. और वो ऐसे लोग हैं जो क्या कर देते हैं, स्टैचूज ऑफ एक्रोपोलिस को तोड़ देते हैं, जला देते हैं. और ब्रेक इन बिट्स द फेमस आइवरीज, और वो क्या करते हैं, जो फेमस आइवरीज हैं उनको टुकड़ों में तोड़ देते हैं. और ट्रैफिक इन द ग्रास होपर्स और बीज, और ग्रास होपर्स और बीज को वो ख़त्म कर देते हैं, मार देते हैं. कहने का मतलब ये है कि ऐसी कोई चीज़ है क्या जहाँ पे इंसान को कंफर्ट मिले. और ज़्यादा से ज़्यादा अगर इंसान कोई ऐसी के पास कोई ऐसी चीज़ है तो वो है लव. और लव क्या होता है, हमेशा की तरह हमेशा के लिए वैनिश हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है. वो टेम्पररी है ना, परमानेंट नहीं है. तो और क्या कहा जाए, ये जो कंट्री है वो चारों तरफ इसमें ऐसे लोग इंसिडियरी और बिगट्स भरे पड़े हैं, जो क्या करते हैं, केवल पब्लिक प्रॉपर्टी को और इन सब चीज़ों को तोड़ फोड़ करने में, ख़त्म करने में, मारने में, तुलने में लगे हुए हैं. इन शॉर्ट, इस पोम में जो पोएट हैं वो वॉर की वजह से जितना भी नुकसान उनकी देश उनके देश को उनकी कंट्री को हुआ है, उस पर हंस भी रहे हैं और उस पर लेमेंट भी दिखा रहे हैं और दुखी भी हो रहे हैं, गुस्सा भी हो रहे हैं कि कैसे सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया है वॉर युद्ध के नाम पे, जो ये वॉर के लिए, जिसके लिए ये कहा जाता है कि वॉर की वजह से, वॉर के अंत में जो एक रिज़ल्ट आएगा वो होगा शांति. बट ऐसा नहीं है, ये अपने साथ बहुत सी घटिया चीज़ें लेके आता है और अपने जाने के बाद बहुत से गंदे इफ़ेक्ट्स या इम्पैक्ट्स हम कह सकते हैं वो उस कंट्री पे, उस जगह पे छोड़ के जाते हैं जो कभी भी मिटाए नहीं जा सकते. तो येट्स का जो गुस्सा है, जो एंगर है ऐसे लोगों के प्रति जो ऐसे काम करते हैं, ऐसी चीज़ों को जो भड़काते हैं, उनके लिए इस पोम में साफ साफ दिखाई दे रहा है. अगर आपको पोम समझ में आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा. और आपके कोई सजेशंस हो तो वो भी दीजिएगा. तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई पोम के साथ, वो भी होगी शायद WB Yeats की, एक या दो उसकी बची है अभी भी. तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय.